रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, हर स्थिति पर पैनी नजर। बेगमगंज, आगामी त्योहारों को मद्देनजर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए पुलिस ने आज शहर में फ्लैग मार्च किया और लोगों को यह एहसास दिलाया कि पुलिस हर स्थिति हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, सक्षम है और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वहीं उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी भी तरह की अफवाह मिलते ही पुलिस से सीधा संपर्क करें, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना करें। फ्लैग मार्च नगर के मुख्य मुख्य मार्गों से होता हुआ थाने पहुंचा। थाने से फ्लैग मार्च की शुरुआत हुई। फ्लैग मार्च शस्त्रों के साथ पुलिस के जवान दल बल के साथ तैयार थे। थाने से नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, महाराणा प्रताप रोड, गांधी बाजार, कबीर चौरा, मंडी होते हुए गणेश मंदिर से पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड और फिर थाने पर आकर समाप्त हुआ। टीआई राजपाल सिंह जादौन का कहना है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सभी साइबर सेल की नजर में है। यदि कोई भी गलत पोस्ट करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेगमगंज में आम जनता को सूचित किया जाता है कि संपूर्ण सोशल मीडिया मध्य प्रदेश पुलिस और साइबर की नजर में है। कोई भी व्यक्ति किसी की भी धार्मिक सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर करता है तो पोस्ट करने वालों के साथ उसकी संपूर्ण जवाबदारी ग्रुप एडमिन की होगी और ग्रुप एडमिन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर कोई पोस्ट ना डालें, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।